हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे जनरल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया जो होता है, इसमें पूरी बॉडी को क्या कर देते हैं, अपने स्लीप लाइक या सेडेटिव कर दिया जाता है। आई बात समझ में? तो जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ेंगे। 4 नंबर का टाइप है। इससे पहले अपने पहले वाली क्लासों में पहले सबसे पहले पढ़ा था स्पाइनल एनेस्थीसिया, उसके बाद में पढ़ा था एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, इसके बाद में पढ़ा था लोकल एनेस्थीसिया जिसको रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। आज पढ़ेंगे अपने जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर अगर डेफिनेशन की बात करें, जनरल एनेस्थीसिया की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया इज ए जनरल एनेस्थीसिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दैट प्रोड्यूस पुट ऑन द स्लीप लाइक स्टेट, स्लीप लाइक स्टेट बिफोर फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, तो सर्जिकल प्रोसीजर से पहले एंड अदर मेडिकल, कोई अदर मेडिकल प्रोसीजर से पहले या फिर सर्जिकल प्रोसीजर से पहले, जब भी अपने किसी पर्सन को क्या करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसको स्लीप लाइक स्टेट प्रोड्यूस करवाते हैं। कौन सा? स्लीप लाइक स्टेट प्रोड्यूस करवाया जाता है। आई बात समझ में? तो इसके अंदर अपने क्या करवाते हैं, मेडिसिन का क्या देते हैं इस पेशेंट को, मेडिसिन का क्या देते हैं, एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है। बात करें कि कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन या फिर एनेस्थीसिया, आईवी एनेस्थीसिया, इसके अंदर क्या क्या आता है, आईवी एनेस्थीसिया एंड इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, बात कर रहे हैं जनरल एनेस्थीसिया कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर क्या क्या आता है। तो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर आता है, एक तो आईवी एनेस्थीसिया आता है, एक इनहेलेशनल, तो डायरेक्ट क्या है, इंट्रा नेजल या फिर बोल सकते हो इंट्रा ट्रेकियल दिया जाता है। आगे बात समझ में? ये तो होती है जनरल एनेस्थीसिया की डेफिनेशन के, जनरल एनेस्थीसिया ऐसे ऐसे करके होता है। इस जनरल एनेस्थीसिया से पढ़ने से पहले अपने पढ़ेंगे कि एनेस्थीसिया की स्टेज कौन कौन सी होती है, एनेस्थीसिया की स्टेज जो होती है वो किसने दी थी, कौन कौन सी स्टेज होती है। तो देखो, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया की बात करें, तो ये जो स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया दिया था वो दिया था गिवन बाई, गिवन बाई कुडेल, कुडेल कुडेल था, उसने क्या दिया था, इस जनरल एनेस्थीसिया की क्या दी थी, स्टेज दी थी। आई बात समझ में? तो इसके अंदर कौन कौन सी स्टेज होती है, मोस्टली इसके अंदर 4 स्टेज होती है। कितनी? 4 स्टेज होती है। 4 स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया बोला जाता है। सेकंड जो स्टेज होती है वो होती है स्टेज ऑफ
एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, आई बात समझ में। तीसरी जो स्टेज होती है, थर्ड स्टेज, वो होती है स्टेज ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, स्टेज ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। फोर्थ स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ डेंजर, स्टेज ऑफ डेंजर। ये जो स्टेज होती है ये किसकी होती है, एनेस्थीसिया की। जिस टाइम आप जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हो तो सबसे पहले पेशेंट का क्या हो जाएगा, एनाल्जेसिक इफेक्ट आ जाता है, फिर एक्साइटमेंट में चला जाता है पेशेंट, और फिर क्या है, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, जिसमें क्या कर सकते हो आप, सर्जरी कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपने ध्यान नहीं दिया है पेशेंट का तो क्या जा सकता है, स्टेज ऑफ डेंजर में जा सकता है। आई बात समझे। सभी के बारे में, सभी स्टेज के बारे में, सिंगल सिंगल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो स्टेज, स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट, और स्टेज फर्स्ट को क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ, स्टेज ऑफ कौन सी स्टेज, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक बोला जाता है, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक, आल्सो नोन एज इंडक्शन स्टेज को क्या बोलते हैं, कौन सी स्टेज बोलते हैं, इंडक्शन स्टेज बोला जाता है। इसके अंदर होता क्या है, दिस स्टेज स्टार्ट एनाल्जेसिक इफेक्ट टू, इफेक्ट टू एक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कहां से स्टार्ट होती है, एनाल्जेसिक स्टेज से स्टार्ट होती है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पर्सन का कॉन्शियसनेस क्या हो जाता है, इसमें लॉस हो जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज पेशेंट रिलीफ द पेन, पेन से पेशेंट क्या फील करता है, रिलीफ फील करता है, ठीक है। इस स्टेज के अंदर पेशेंट इसको क्या क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाता है पेन से, पेन सेंसेशन बिल्कुल नहीं होता है, एंड और क्या रहेगा, सेडेटिव लाइक, एंड सेडेटिव लाइक सेंसेशन, ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे उसको क्या आ रही है, निंद्रा आ रही है, मतलब नींद में जा रहा है। आगे बात समझ में। ये क्या होती है, फर्स्ट स्टेज बोलते हैं इस कंडीशन को। इसके बाद में देखो सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज की बात करें तो इसका जो नाम होता है सेकंड स्टेज का, वो होता है स्टेज ऑफ, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज एक्साइटमेंट को बोलते हैं स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट जो होती है वो होती क्या है, इसके अंदर क्या होगा, दिस स्टेज स्टार्ट द, दिस स्टेज स्टार्ट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू इररेगुलर ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, इसमें इररेगुलर हो जाता है। आई बात समझ में। इसके अंदर
कौन सी स्टेज में? सेकंड स्टेज में, जिसको एक्साइटमेंट बोलते हैं, स्टार्ट होती है लोसो कॉन्शियसनेस से, और जो पूरी एंड हो जाती है वो इरेगुलर रेस्पिरेशन के साथ में क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, एंड हार्ट रेट। हार्ट रेट भी क्या हो जाती है इस स्टेज में? इरेगुलर हो जाती है। इसके बाद में देखो, इन दिस स्टेज आगे, इन दिस स्टेज प्यूपिल डायलेट पे क्या हो जाते हैं, पेशेंट के प्यूपिल क्या हो जाएंगे? डायलेट हो जाते हैं। इसके बाद में और क्या होगा? आई लेसेज रिफ्लेक्स क्या हो जाएंगे? डिमिनिश क्या हो जाएगा? आई लेसेज क्या हो जाएगा? डिमनिश हो जाएगा। आई लेसेज का जो रिफ्लेक्स होता है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही डिमनिश हो जाता है। आ गई बात समझ में? इसके साथ साथ में ये जो स्टेज होती है, या फिर अगर बात करें स्टेज की, जिसके अंदर मतलब अपने पहले वाली स्टेज की बात की थी, जिसके अंदर स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया था, उससे पहले एक लाइन लिख लो जिसके अंदर आपको क्या करना है, का स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया स्टार्ट बिफोर टू पेशेंट एडमिनिस्टर द प्री मेडिकेशन। अपने क्या करते हैं, इस एनेस्थीसिया के इफेक्ट, मतलब एनेस्थीसिया की स्टेज स्टार्ट होने से पहले, एनेस्थीसिया देने से पहले उसको तो क्या करते हैं, प्री मेडिकेटेड करते हैं पेशेंट को। आई बात समझ में? इसके साथ साथ में अगर थर्ड स्टेज की बात करें, स्टेज थर्ड, थर्ड स्टेज की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? थर्ड स्टेज कौन सी होती है? स्टेज ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। ये कौन सी स्टेज होती है? सर्जिकल प्रोसीजर वाली। तो ये थर्ड स्टेज है ना, इसके अंदर क्या आते हैं? फोर प्लेन आते हैं। कितने प्लेन? फोर प्लेन आते हैं। इन दिस स्टेज डिवाइडेड इनटू फोर प्लेन। इस स्टेज को क्या करते हैं अपने, फोर प्लेन के अंदर क्या कर देते हैं? सब डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट प्लेन, फर्स्ट प्लेन की बात करें तो ये जो स्टार्ट होता है, जो सेकंड स्टेज क्या हुई थी, मतलब एंड हुई थी, वहां से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट प्लेन के अंदर क्या होगा? दिस प्लेन स्टार्ट द इररेगुलर रेस्पिरेशन टू, इस ये जो स्टेज है ये इररेगुलर रेस्पिरेशन से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी? यहां तक सीजेशन ऑफ, सीजेशन का मीनिंग होता है स्टॉपेज, स्टॉपेज ऑफ आई रिफ्लेक्स। तो आई के अंदर जो रिफ्लेक्स आता है वो क्या हो जाएगा? स्टॉपेज हो जाता है, सीजेशन हो जाता है फर्स्ट प्लेन के अंदर। आगे बात समझ में? और क्या रहेगा इसके अंदर? कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स भी क्या हो जाता है?
कंजक्टाइवा का जो रिफ्लेक्स होता है वो भी क्या हो जाएगा, डिमनिस हो जाता है। इसके साथ साथ में टू डिक्रीज द स्किन सेंसेशन के अंदर और क्या हो जाएगा, स्किन सेंसेशन भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कौन से प्लेन में, फर्स्ट प्लेन में। आगे बात करते हैं सेकंड प्लेन की, सेकंड प्लेन। सेकंड प्लेन की बात करें तो स्टार्ट द दिस प्लेन स्टार्ट द स्टॉपेज ऑफ आई रिफ्लेक्स। आई रिफ्लेक्स क्या हो जाता है, इसमें स्टॉपेज हो जाता है। और एंड जो होता है सेकंड, वो होता है रेस्पिरेटरी पैरेसिस टू रेस्पिरेटरी पैरेसिस। रेस्पिरेटरी जो पैरेसिस होता है ना, ये क्या होता है, पैरेसिस का जो वर्ड होता है वो होता है वीकनेस। क्या होता है, वीकनेस। पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है ना, वो क्या हो जाती है, वो हो जाएगी पैरेसिस, मतलब वीकनेस आ जाती है। क्यों, क्योंकि क्या है, पेशेंट किस में है, सेकंड प्लेन में है। इसके बाद में इसमें बात करते हैं अपने डिमनिस द कॉर्नियल रिफ्लेक्स। इसी स्टेज के अंदर या सॉरी इस प्लेन के अंदर क्या हो जाएगा, डिमनिस द कॉर्नियल रिफ्लेक्स। इसी स्टेज के अंदर क्या होता है, कॉर्नियल जो रिफ्लेक्स होता है वो क्या हो जाएगा, डिमनिस हो जाता है। स्पेशली ये ध्यान में रखना कि सेकंड जो प्लेन होता है इसके अंदर क्या होता है, कॉर्नियल वाला जो रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, डिमनिस हो जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं थर्ड प्लेन की, थर्ड प्लेन की बात करें तो दिस प्लेन स्टार्ट रेस्पिरेटरी पैरेसिस टू पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी पल्स। पैरालिसिस मतलब वीकनेस से स्टार्ट होगा और रेस्पिरेटरी में क्या, रेस्पिरेटरी जो मसल्स है उसमें क्या आ जाएगा, पैरालिसिस आ जाता है। इसके अंदर क्या होगा, इन दिस स्टेज डिमनिस द क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिमनिस हो जाएगा कैरिनियल रिफ्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले वाले जो प्लेन था उसमें मैंने कॉर्नियल रिफ्लेक्स बताया था, लेकिन इसमें क्या है, कैरिनियल जो पार्ट होता है, कैरिना देखो कहाँ पे होता है, ये जो ट्रेकिया है, सपोज दिस की ये क्या है, ट्रेकिया है। इस ट्रेकिया में क्या है, ये रिंग्स है। ये जो ट्रेकिया का जहाँ पे ट्रेकिया बाइफर्गेट होता है, जहाँ पे ट्रेकिया क्या हो रहा है, बाइफर्गेट हो रहा है, दो में डिवाइड हो रहा है, जस्ट इसके नी ऊपर एक पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, कैरिना। क्या बोलते हैं, कैरिना होता है। ये जहां से रिफ्लेक्स आएगा, ये भी रिफ्लेक्स क्या हो जाता है, डिमनिस हो जाता है। कौन से में, थर्ड प्लेन में। आई बात समझ में, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो क्या, कैरिनियल रिफ्लेक्स बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं, इन दिस प्लेन दैट स्टार्ट द सर्जिकल प्रोसीजर
सर्जिकल प्रोसीजर, इस प्लेन के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद में आगे देखो, फोर्थ प्लेन, फोर्थ प्लेन, फोर्थ प्लेन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, दिस प्लेन स्टार्ट द रेस्पिरेटरी पैरालिसिस टू, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस टू मेडुलरी पैरालिसिस। इस स्टेज के अंदर क्या होगा, पेशेंट को मेडुला भी क्या हो जाएगा, पैरालिसिस होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझे, मतलब चांस तो क्या रहते हैं, हो ही जाता है, मतलब माइल्ड, क्या लिख सकते हो, माइल्डली, क्या माइल्ड पैरा क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लॉगेटा होता है वो क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल ही पैरालिसिस हो जाता है। इसके साथ साथ में इन दिस स्टेज डिमिनिश द, इसमें डिमिनिश हो जाता है एनल रिफ्लेक्स, एनस के अंदर जो दो स्पिंटर होते हैं उसमें जो कंट्रोल होता है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही मतलब डिमिनिश हो जाता है, उसको बोलते हैं एनल रिफ्लेक्स बोला जाता है। आगे बात समझ में? ये तो थे थर्ड स्टेज के अंदर एनाल्जेसिक की, जो थर्ड, तो मैंने बताया था जनरल एनेस्थीसिया की स्टेज के बारे में, जिसके अंदर पहला था एनाल्जेसिया, दूसरा था एक्साइटमेंट, तीसरी थी कौन सी, तीसरी थी सर्जिकल प्रोसीजर। इसी तीसरी स्टेज के अंदर, सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर फोर प्लेन बताए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। अब बात करते हैं स्टेज फोर्थ की, स्टेज फोर्थ की बात करते हैं, स्टेज फोर्थ, स्टेज जो फोर्थ होता है इसके अंदर उसका नाम होता है स्टेज ऑफ डेंजर, स्टेज ऑफ डेंजर। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, इस स्टेज दैट पेशेंट रिसीव हाई डोज ऑफ द एनेस्थीसिया। इस स्टेज के अंदर अगर पेशेंट को हाई डोज दे दी जाए या रिसीव कर रहा है हाई डोज एनेस्थीसिया, तो क्या होगा, दैट प्रोड्यूस प्रोड्यूस डेंजरली मेडुला ऑब्लॉगेटा, में क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लॉगेटा क्या हो जाता है, पैरालिसिस, इसमें क्या हो जाएगा, द पेशेंट, द पेशेंट चांसेस द डेथ। इस स्टेज के अंदर पेशेंट को कैसे चांस हो जाते हैं, डेथ होने के चांस हो जाते हैं। आगे बात समझो, तो ये थी चार स्टेज जिसके अंदर अपने पढ़े थे जनरल एनेस्थीसिया की स्टेज के बारे में। और जनरल एनेस्थीसिया की स्टेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो जनरल एनेस्थीसिया के बारे में मैंने बताया था क्या होता है, इसके बाद में मैंने स्टेज के बारे में बात की थी, फर्स्ट स्टेज क्या होती है एनाल्जेसिया, सेकेंड स्टेज जो होती है वो एक्साइटमेंट, थर्ड स्टेज जो होती है वो सर्जिकल प्रोसीजर, और फोर्थ स्टेज होती है वो स्टेज ऑफ द डेंजर। आई बात समझ में? इसके बाद में मैंने बताया था आपको फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज का दूसरा नाम होता है इंडक्शन स्टेज, और इस स्टेज के अंदर जब ये स्टार्ट होती है तो कौन सी एनाल्जेसिक इफेक्ट के साथ साथ में पेशेंट का क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके साथ साथ में पेशेंट, इसमें क्या होता है, पेन है वो क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा, और पेशेंट को क्या है, सेडेटिव सेंसेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इस स्टेज के अंदर पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो नींद में जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? इसके बाद में सेकंड स्टेज की बात की, सेकंड स्टेज को क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट।
इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन से स्टार्ट होती है ये, और इरेगुलर रेस्पायरेशन के साथ में और इरेगुलर हार्ट रेट के साथ में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, मतलब ये यहाँ तक ही चलती है। इस स्टेज के अंदर क्या होगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, आई जो लेसेज है वो रिफ्लेक्स वो क्या हो जाएंगे, डिमिनिश हो जाते हैं। इसी स्टेज के अंदर, इसी स्टेज से पहले अपने क्या परी लिमिटरी या परी जो मेडिसिन होती है वो देते हैं पेशेंट को। के बाद में मैंने थर्ड स्टेज की बात की थी, सर थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, आई बात समझ में। इसमें क्या करते हैं, इस थर्ड स्टेज को फोर प्लेन में डिवाइड करते हैं। पहला प्लेन की बात करें तो फर्स्ट प्लेन के अंदर स्टार्ट होती है इरेगुलर रेस्पिरेशन से और सीजेशन ऑफ द आई रिफ्लेक्स, मतलब स्टॉपेज ऑफ द आई रिफ्लेक्स से क्या हो जाएगा, इसमें एंड हो जाती है। कंजक्टाइवल जो रिफ्लेक्स है वो भी मतलब डिमिनिश हो जाते हैं और स्किन सेंसेशन भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। इसके बाद में सेकंड प्लेन की बात की थी, इसमें क्या होता है, ये जो स्टार्ट होती है स्टॉपेज ऑफ आई रिफ्लेक्स से स्टार्ट होती है और एंड हो जाती है रेस्पिरेटरी पैरेसिस। रेस्पिरेटरी पैरेसिस का मीनिंग है यहाँ पे वीकनेस, रेस्पिरेटरी की जो मसल्स है वो क्या हो जाएगी, वीकनेस हो जाती है। इसी प्लेन के अंदर, सेकंड प्लेन के अंदर जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाते हैं, मतलब डिमिनिश हो जाते हैं, आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात की थी थर्ड प्लेन की, थर्ड प्लेन के अंदर रेस्पिरेटरी पैरेसिस से स्टार्ट होती है और रेस्पिरेटरी मसल जो है वो पैरालिसिस हो जाए वहां तक यह क्या है, ये प्लेन होता है। इसके अंदर क्या होगा, डिमिनिश हो जाते हैं कैर्नियल रिफ्लेक्स, ठीक है। और मैंने बताया था कैर्नियल जो पार्ट रहता है कैरिना वो होता है जहां से ट्रेकिया बाइफर्गेट होता है, दो में डिवाइड होता है, उसके जस्ट ऊपर होता है। इसी स्टेज के अंदर क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर अपने क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद में फोर्थ प्लेन बताया था, फोर्थ प्लेन में क्या होता है, ये स्टार्ट होती है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस से मेडुलरी पैरालिसिस तक, ठीक है, आई बात समझ। माइल्डली मेडुलरी पैरालिसिस होता है, इसमें क्या हो जाता है, पेशेंट को एनल रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाएंगे, डिमिनिश हो जाते हैं। इसके बाद में फोर्थ स्टेज के बारे में बात करें तो ये होती है स्टेज ऑफ डेंजर। पहले था प्लेन था फोर्थ, अभी क्या है, फोर्थ स्टेज है ये, क्या हो, स्टेज ऑफ डेंजर होती है। इसमें क्या हो जाएगा, पेशेंट को बिल्कुल ही जब अगर ये हो जाए तो पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है एनेस्थीसिया या फिर बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया दे दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, और उस इसमें क्या हो जाएगा, पेशेंट को डेंजरली साइन आते हैं, मेडुला आंवलागेटा होता है वो पैरालिसिस हो जाता है और इस पेशेंट में क्या चांस हो जाते हैं, डेथ होने के चांस हो जाते हैं। आगे बात समझ में, ये था स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो आगे वाली क्लास में अपने इनके मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो आज तक यहीं तक, थैंक।